चलिए दोस्तों, मैं दूसरी बात आपको कहने जा रहा हूँ। इसमें ऐसा है कि आपको मैंने बोला कि रूम के सेंटर में जाइए या हाउस के सेंटर में जाइए और आप नॉर्थ डायरेक्शन ढूंढिए। तो आपने नॉर्थ डायरेक्शन ढूंढा ये कंपास लेकर, तो आपको नॉर्थ ये ऐसे दिखा, मतलब क्रॉस जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ यहाँ से, ये जो आपका, ये आपका घर का या रूम का हाफ ले लो यहाँ से आप, तो मतलब ये सेंटर है, ठीक है। ये आपके रूम का सेंटर ये है, वहाँ पर से आपने देखा तो नॉर्थ वाली नीडल जो है, रेड नीडल, ये जो नीडल है रेड, वो कहाँ पर दिखा रही है, इस तरफ, मतलब ये आपका घर के सेंटर से, ये सेंटर वाली लाइन जो है यहाँ से 20 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट दिखा रही है ऐसे। तो ये कितना डिग्री दिखा रहा है, 20 डिग्री कंपास, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 20 डिग्री क्रॉस ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बदल गया सिनेरियो, ये पोर्शन जो है इतना वो नॉर्थ हो गया। तो आपको नॉर्थ एनर्जाइज करने के लिए, आपके बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंस ग्रो करने के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, आपको नॉर्थ में फिक्स करना है मैक्स पिरामिड यंत्र। तो आप ये नॉर्थ कॉर्नर पूरा पूरा आप देख लो। तो अभी तो मेरी नीडल जो है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो कहाँ पर दिख रहा, देखो मैंने, हमारा ये है, लेकिन ये जो नीडल है वो शायद आपको एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये अभी इधर नहीं देखने का है, समझो कि ये जो नॉर्थ वाला है वो इस तरफ है, मैंने इधर एग्जांपल के लिए रखा है। तो अभी कहाँ दिखा रहा है, ये नॉर्थ साइड बता रहा है, इधर इसको नहीं देखने का। आपको जो आपके रूम में सेंटर में आप खड़े हो और देख रहे हो, तो ये नीडल जो है, रेड वाली नीडल इस तरफ दिखाएगी, इस तरफ 20 डिग्री या 10 डिग्री या 20 डिग्री से ज़्यादा। तो उस सिनेरियो में आपको नॉर्थ वाला जो है मार्किंग कर लेना है कि नॉर्थ मेरा ये है, समझ में आ गया, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है और ये साउथ है। फिर ये चारों चार लाइन को आप जोड़ दो और फिर ये सेक्टर वाइज ढूंढो। तो ये जो सेक्टर है वो नॉर्थ वाला है इतना, और ये जो है वो ईस्ट वाला है, ये जो है वो साउथ वाला है, और ये जो है वो वेस्ट वाला है। तो बाकी के जो चार सेक्टर है वो आपका ईशान्य कोना, ये अग्नि कोना, ये साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। फिर आपको ढूंढना है नॉर्थ वाला, तो ये नॉर्थ जो है, तो यहाँ पर आपको मैक्स पिरामिड यंत्र लगाना है। यहाँ नहीं लगा सकते तो ये वॉल पर लगा दो। वैसे किचन के लिए आपको हेल्थ वाला इश्यू सॉल्व करने के लिए आपने ये ढूंढ लिया, ये अग्नि कोना मेरा ये है, तो यहाँ पर मैं फिक्स करूँगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये जब नॉर्थ जो है वो 20 डिग्री इस तरफ बताता है, किसी का इस तरफ बताएगा कोई बात नहीं, जितना डिग्री बताता है वैसे ड्रॉ कर लो, या फिर वहाँ पर खड़े रहकर आप जो कोने में पिरामिड यंत्र को इंस्टॉल करना चाहते हैं वो डायरेक्शन को पहले सही सही कॉर्नर ढूंढ लो और वहाँ पर आपको पिरामिड फिट करना है, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मैक्स का दूसरा प्रयोग देखने जा रहे हैं, मतलब रूम एक्टिवेशन। आपका प्रश्न ये होगा कि सर जी, मेरा जो किचन है वो अभी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, ये गलत दिशा में है, ठीक है, वहाँ पर तो फायर एलिमेंट है नहीं, और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ये किचन आ गया, उसको चाहिए साउथ ईस्ट कॉर्नर की, मतलब अग्नि कोने की एनर्जी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मैक्स का, ये मैक्स पिरामिड यंत्र जो है उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में अभी देखेंगे। आपको क्या करना है, आपके रूम के अंदर जाना है, मतलब अभी किचन की बात कर रहे हैं, किचन जो है वो गलत दिशा में है, ठीक है, समझो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आपको वही नॉर्थ ईस्ट वाला जो आपका किचन है उसके सेंटर में जाना है, रूम के सेंटर में, समझो ये आपका किचन है और इसके सेंटर में आप गए, और सेंटर में जाकर आपको क्या ढूंढना है, वो बाय यूजिंग पायरा कंपास इसको यूज करना है, और आपको कौन सा कॉर्नर ढूंढना है, ये साउथ ईस्ट वाला कॉर्नर, ये साउथ ईस्ट वाला कॉर्नर ये ढूंढना है। कहाँ पर गए, किचन के सेंटर में गए और वहाँ जाकर साउथ ईस्ट वाला ये इतना पोर्शन जो है वो आपने देख लिया, ठीक है। ये सेक्टर में जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप मैक्स पिरामिड यंत्र लगाओ, इस वॉल पर या इस वॉल पर, इनमें से एक भी, और
ये यहाँ पर इंस्टॉल करने से बिफोर इंस्टॉलेशन आपको फार्मा करना है। फार्मा करना है मतलब दोनों हाथ को रब करना है, फिर मैक्स पिरामिड को लेफ्ट हैंड में लेकर राइट हैंड से कवर करना है। देखिए ये मैक्स पिरामिड है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अभी दोनों हाथ को रब करता हूँ और इसको लेफ्ट हैंड में रखकर राइट हैंड कवर करके फार्मा ओरिएंटेशन, फार्मा प्रोग्रामिंग मतलब अभी मैं मदर को याद करूँगा, गॉडेस को याद करूँगा, ठीक है, जिसमें आपकी फेथ है, फिर फादर को याद करूँगा, गॉड को याद करूँगा, फिर मैं कमांड करूँगा या विश करूँगा कि ये जो मेरा किचन है कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर, लेकिन मुझे क्या चाहिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर की एनर्जी, ठीक है। तो ये जो मेरा रूम है वो किचन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि उसको साउथ ईस्ट कॉर्नर की एनर्जी मिले और वास्तु दोष जो है उसका निवारण हो जाए। ये जो वास्तु दोष है वो निवारण होके मुझे मैक्सिमम हेल्थ मिले, संपूर्ण तंदुरुस्ती मिले, साउथ ईस्ट कॉर्नर एनर्जाइज हो जाए, ऐसा आप विश कर दो। फिर विश करने के बाद आपको ये जो दो होल है उसमें ब्रास स्क्रू लगाकर यहाँ पर ऐसी चिप्स आएगी, ऐसी चिप्स आएगी, यहाँ पर सब लगाकर आपको फिर वहाँ पर इंस्टॉल कर देना है सीलिंग में या वॉल पर, ठीक है। तो ये हो गया हेल्थ रिलेटेड इश्यू सॉल्व करने के लिए किचन में, किचन का एक्टिवेशन, ठीक है। अभी देखिए कि आपका बेडरूम ले लीजिए, बेडरूम जो है कहाँ पर होना चाहिए, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर पर, लेकिन आपका बेडरूम जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर है। तो आपको कहाँ जाना है, रूम के सेंटर में, मतलब आपके बेडरूम के सेंटर में जाना है और वहाँ पर जाकर आपको ये, आप चले गए आपके बेडरूम में, बेडरूम में गए और सेंटर ढूंढा, सेंटर ढूंढने के बाद उसका साउथ वेस्ट कॉर्नर ढूंढ लो, मतलब ये रहा साउथ वेस्ट नैऋत्य कोना, फिर वहाँ जाकर आपको ये इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर जाओ, यहाँ लगाओ या फिर यहाँ लगाओ, तीन में से एक जगह पसंद कर लो। फिर से फार्मा प्रोग्राम करना है, बाद में आपको इंस्टॉलेशन करना है, ये आपको समझ में आ गया है। अभी हम लोग देखेंगे कि आपका स्टडी रूम जो है वो गलत दिशा में है, तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, स्टडी रूम के अभी का जो स्टडी रूम है वहाँ पर जाऊँगा, तो मतलब ये अभी का जो स्टडी रूम है वहाँ पर मैं गया, ये रूम है समझो, ठीक है, ये समझो एंट्रेंस है, मैं ये रूम में गया, रूम में जाने के बाद मुझे सेंटर ढूंढना है, ठीक है। तो ये कॉर्नर से लेकर ये कॉर्नर तक ये जो है आपने इस तरह से भी कर सकते हैं, ये सेंटर ढूंढा, या फिर ये वॉल जो है इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, ठीक है। तो ये करने से भी आपको मिल जाएगा सेंटर, ये सेंटर में आ गया। फिर कंपास का यूज़ करके, सपोज ये जो है आपकी नॉर्थ है, ये समझो आपका नॉर्थ है, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, तो वहाँ पर से आपको ये नीडल जो है वो गलत दिशा में दिखा रही है अभी, क्योंकि मैं जो दिखा रहा हूँ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। तो क्या करना है, आपको स्टडी रूम चाहिए ना, तो ये ईस्ट वाला है, देखो ये ईस्ट, ईस्ट वाला सेक्टर ढूंढ लिया मैंने, फिर यहाँ से ये ढूंढ लिया, चलो ये ईस्ट वाला कॉर्नर है, तो ये ईस्ट वाले कॉर्नर पर यहाँ पर मैं मैक्स पिरामिड फिट करूँगा या फिर ये वॉल पर, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया स्टडी रूम में, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी रूम मैक्स 9x9 पिरामिड यंत्र का प्रयोग करके आप कन्वर्जन करके वो रूम में जो एलिमेंट की एनर्जी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। इस तरह से अभी इसमें देखेंगे क्या है कि आपका रूम जो है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में है, कौन सा, पूजा रूम वाला, पूजा रूम जो है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर पर है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये साउथ ईस्ट वाले कॉर्नर में आपका ये पूजा रूम है, ठीक है, ये समझ लो, और इसका सेंटर में मैंने जाकर ये सब डायरेक्शन ढूंढ लिया, फिर वो रूम के ईशान कॉर्नर पर जाना है, ढूंढ लेना है ईशान कॉर्नर, और वहाँ पर आपको ये मैक्स 9x9 पिरामिड यंत्र फिक्स करना है, इस वॉल पर या इस वॉल पर, तीनों में से एक पर करो, तो ये
पूजा रूम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से कोई भी रूम को आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो रूम की आप एनर्जी दे सकते हो, आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक बात आती है कि यदि ये आपका रूम जो है वो 20 डिग्री क्रॉस है, वो हम लोग एग्जांपल लेंगे। देखो ये जो है अभी ये आपका एक रूम है वो 20 डिग्री क्रॉस है, तो पहले हमने देखा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, रूम के सेंटर में जाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन ढूंढ के ये चार कर देंगे, चार डायरेक्शन ढूंढ लेंगे और फिर रूम का जो हाफ है वहाँ से हम लोग 20 डिग्री क्रॉस है वो देख लिया, तो ये जो है आपका नॉर्थ बन जाएगा। तो आपका मास्टर बेडरूम अभी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है समझो। फिर आप ये रूम में आए, रूम का सेंटर ढूंढा, रूम का सेंटर ढूंढने के बाद ये जो नैऋत्य कोना है वो यहाँ आएगा, ये एरिया में, तो वहाँ पर आपको ये मैक्स 9x9 पिरामिड यंत्र तो उस एरिया में आपको फिक्स करना है या फिर ये वॉल पर फिट करना है। मेरे ख्याल से आपको सभी अभी जो कुछ भी समझ में आना चाहिए रूम कन्वर्जन के बारे में वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा ऐसा है कि आपको फार्मा प्रोग्रामिंग करने के बाद आप मैक्स को, मैक्स पिरामिड यंत्र से आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियाँ, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों रूम कन्वर्जन के बारे में मैंने स्केच ड्रॉ कर आपको इंस्टॉलेशन कहाँ करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि आपको मैक्स 9x9 पिरामिड को कमांड देना है, फार्मा ओरिएंटेशन करना है। ठीक है, बाद में आपको इंस्टॉलेशन करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका बेडरूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर है, मतलब कि आपके घर के ईशान कोने में है, वो गलत है, क्योंकि मास्टर बेडरूम कहाँ रहना चाहिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर पर, वहाँ पर अर्थ एलिमेंट है, अभी गलत जगह पर ये बेडरूम है। तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, हमारा जो बेडरूम है अभी जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, ईशान्य कोने में है, उसका सेंटर में जाऊँगा। सेंटर में जाकर क्या ढूँढूँगा, साउथ वेस्ट कॉर्नर ढूँढूँगा और वहाँ पर ये मैक्स 9x9 पिरामिड यंत्र लगाऊँगा। लगाने से पहले मुझे क्या करना है, दोनों हाथ को रब करना है। रब करने के बाद लेफ्ट हैंड में मैंने रख लिया, राइट हैंड पे कवर कर दिया। फिर मैं मदर को, गॉडेस को, फिर फादर को एंड गॉड को, जिसमें आप बिलीव करते हो, उसको याद करके प्रे करूँगा, विश करूँगा कि ये जो मेरा बेडरूम है उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर की एनर्जी मिले, ये रूम मास्टर बेडरूम में कन्वर्ट हो जाए। मैंने इस तरह से विश कर दी। ठीक है, विश करने के बाद मैं उसको इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ, सीलिंग पे, इधर वॉल पर या इधर। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने हो सके इतनी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। फिर भी आपको कुछ ऐसा है तो हमारा कांटेक्ट कीजिए, हम लोग इधर से चार्ज करके आपको ये मैक्स 9x9 पिरामिड यंत्र भेज देंगे। ये जो आपने मैक्स 9x9 पिरामिड यंत्र देखा उसकी बहुत सारी रेंज है, इसमें नू मैक्स आता है, स्पेशल मैक्स आता है, आई मैक्स आता है, मैक्स 500 आता है, प्रो मैक्स आता है, इस तरह से कई सारी रेंजेस है पावर के हिसाब से। ठीक है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, हमारा कांटेक्ट कीजिए या मेल कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए हमारी जो ये चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ सभी के सुखाकारी के लिए। धन्यवाद।